हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज हमारा टॉपिक है जेरंड एंड इन्फिनिटिव। जेरंड फॉर्म जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, और इन्फिनिटिव फॉर्म जहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। गाइस, अगर आपको याद हो तो जेरंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये पार्ट टू है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि जेरंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जिनका यूज सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में किया जाता है, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब। किस तरह से, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और उसके बेसिक ओवरव्यू को समझ सकते हैं। फिलहाल यहां पर जेरंड और इन्फिनिटिव्स के इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, और शुरुआत करने से पहले कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। यहां पर मेरा पहला सेंटेंस है, मुझे किताबें पढ़ने में मजा आता है, यानी मैं किताबें पढ़ना एंजॉय करता हूं, आई एंजॉय। अब किस तरह से इस सेंटेंस को बनाऊं, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स या फिर आई एंजॉय टू रीड बुक्स। तो आपसे कहा जाएगा कि पहला सेंटेंस आई एंजॉय रीडिंग बुक्स ये सही है और ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है ये बात इस वीडियो लेक्चर में आप समझ जाएंगे। फिलहाल देखिए, दूसरा सेंटेंस है, मैं जाना चाहता हूं। आपने अक्सर सुना होगा आई वॉन्ट टू गो। इस तरह से कभी नहीं कहा जाता कि मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट। जाना के लिए आपने गोइंग का यूज किया, ऐसा नहीं है। वर्ब आ रही है ऑब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी उसकी आईएनजी फॉर्म का आप यूज नहीं कर सकते। ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये बात भी आपको इस वीडियो लेक्चर में पता लगेगी। फिलहाल देखिए, तीसरा सेंटेंस मेरे सामने है, मुझे खेलना बहुत पसंद है। बहुत पसंद के लिए आप यूज करते हैं लव। आई लव क्या, खेलना। आई लव प्लेइंग या फिर आई लव टू प्ले। इन दोनों सेंटेंसेस को कहा जाता है कि दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं और दोनों ही तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इन दोनों का सेंस बिल्कुल इक्वल है, यानी सेम सेंस में दोनों सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। लेकिन इस सेंटेंस में आई स्टॉप टू से हाई टू यू, आई स्टॉप सेइंग हाई टू यू, ये दोनों ही सेंटेंसेस हालांकि सही हैं, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस का जो सेंस है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। यानी इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग सिचुएशन में बोला जाएगा। किस तरह से, तो देखिए, यहां पर जो स्टॉप वर्ब है, जो इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, ये स्टॉप, इसके दो मीनिंग होते हैं। स्टॉप के दो मीनिंग है, एक है रुकना और एक है रोकना, किसी काम को रोक देना या बंद कर देना, ये है स्टॉप। और रुकना, उसके लिए भी आप स्टॉप का यूज करते हैं। पहले सेंटेंस का मतलब है आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। क्यों रुक गया, टू से कहने के लिए, से मतलब कहना, कहने के लिए रुक गया। क्या कहने के लिए रुक गया, हाय टू यू, आपको हाय कहने के लिए मैं रुक गया, यानी कि मैं रुका आपको हाय कहने के लिए। अब दूसरे सेंटेंस में आई स्टॉप्ड सेइंग हाय टू यू, इस सेंटेंस में मैंने बंद कर दिया या मैंने रोक दिया, क्या रोक दिया, कहना, सेइंग जेरंड फॉर्म, कहना, क्या कहना, हाय टू यू, आपको हाय कहना मैंने बंद कर दिया। पहले मैं आपको हाय कहता था, अब मैं आपको हाय नहीं कहता, मैंने बंद कर दिया। तो यहां पर आपने देखा कि इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, इसलिए सेंस बिल्कुल अलग है। जबकि इस सेंटेंस में जब आप कहते हैं कि मुझे खेलना बहुत पसंद है, तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे तो भी सेंस बिल्कुल सेम है। ऐसा क्यों, ये बात इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। क्या फर्क है, इन वर्ब्स का क्या रोल है, किसके साथ जेरंड का यूज, किसके साथ इन्फिनिटिव का यूज, किस वर्ब के साथ आप दोनों का यूज कर सकते हैं बिना सेंस बदले, या फिर अगर आप इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करेंगे तो डिफरेंट सेंस है, और जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे तो डिफरेंट सेंस है, यानी दोनों का सेंस बिल्कुल सेम नहीं है, ये बात आप जानेंगे। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस देखिए आपके सामने है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। तो अक्सर आप ये सोचते हैं कि इन्फिनिटिव फॉर्म तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर टू के साथ मीट, ये सेंटेंस सही होना चाहिए, जबकि ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है, ऐसा क्यों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट की, एक एक करके डिटेल में आपको मैं ये समझाता हूं। देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि जेरंड और इन्फिनिटिव फॉर्म्स का यूज होता कहां है। देखिए आपके सामने ये चार सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है राम इज प्लेइंग फुटबॉल,
राम फुटबॉल खेल रहा है, मेरा सब्जेक्ट है राम, क्या काम कर रहा है, खेलने का काम। तो इस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, वो है खेलना। हेल्पिंग वर्ब इज और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। इस सेंटेंस में ही इज रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ रहा है। सब्जेक्ट है वो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है पढ़ना, क्योंकि पढ़ने का काम वो कर रहा है। क्या पढ़ने का काम कर रहा है, किताबें पढ़ने का काम। तो बुक्स मेरा ऑब्जेक्ट है। आई एम मेकिंग वीडियो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। माई फ्रेंड वॉज स्पीकिंग विद कस्टमर्स, मेरा दोस्त कस्टमर्स के साथ बात कर रहा था। सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब स्पीक, बात करना, ये मेन वर्ब है, ये भी एक क्रिया है। विद कस्टमर्स, ये मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। यहां पर कई स्टूडेंट्स से सोचते हैं कि यहां पर आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है सेंटेंस की मेन वर्ब के साथ, तो क्या ये जेरंड फॉर्म है? ये जेरंड फॉर्म नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की वो वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताए, वो जेरंड फॉर्म नहीं होती है, ये कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तभी तो आप कहते हैं प्ले, प्ले की चार फॉर्म्स कौन सी हैं? तो आप कहते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड सेकंड और थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो होती है आईएनजी फॉर्म। जेरंड या इन्फिनिटिव फॉर्म्स का यूज तो सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्टिव पार्ट में होता है। जैसे अगर कोई वर्ब अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आई या फिर सब्जेक्टिव पार्ट में आई, तो वो वर्ब जेरंड या इन्फिनिटिव फॉर्म्स की तरह यूज की जाए। ये बात इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, वहां पर जेरंड या इन्फिनिटिव फॉर्म्स का यूज होता है। तो इन चारों सेंटेंसेस में जेरंड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जेरंड फॉर्म नहीं है, भले आपको लग रहा है आईएनजी है, लेकिन ये मेन वर्ब है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम के बारे में बता रही है। यहां पर आप एक बात और नोट करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो या तो एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है। देखिए, मेरा सब्जेक्ट है राम, ये एक प्रॉपर नाउन है। ही, ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, माय, ये एक पजेसिव प्रोनाउन है, और फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, सब्जेक्ट आपकी एक वर्ब होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि फुटबॉल खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है, यहां पर फुटबॉल किसी सब्जेक्ट के द्वारा खेले जाने के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि हम तो ये बता रहे हैं कि फुटबॉल खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है। सब्जेक्ट है फुटबॉल खेलना, किसके बारे में बात हो रही है? फुटबॉल खेलने के बारे में बात हो रही है। तो मेरा सब्जेक्ट है फुटबॉल खेलना। तो जब कभी कोई वर्ब सब्जेक्ट पार्ट में आती है, सब्जेक्ट का पार्ट है, ऐसे केस में आप उस वर्ब को आईएनजी लगा करके जेरंड फॉर्म में, या फिर उस वर्ब से पहले टू का यूज करके उसे इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, या फिर आप कह सकते हैं टू प्ले फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। सेंस बिल्कुल सेम है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्फिनिटिव या जेरंड फॉर्म दोनों का यूज कर सकते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में अगर वर्ब आई तो। जैसे इस सेंटेंस में रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट, किताबें पढ़ना अच्छी आदत है। तो यहां पर देखिए, किताबें पढ़ना, पढ़ने के लिए आप रीडिंग या टू रीड कह सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखें इन दोनों को, जब आप टू प्ले या प्लेइंग का यूज करते हैं, टू रीड या रीडिंग, जेरंड या इन्फिनिटिव फॉर्म में, यहां पर एज अ नाउन इनको यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर किसी एक्टिविटी के नाम की बात हो रही है, और जब भी किसी नाम की बात होती है तो वो एक नाउन कहलाता है। इसी तरह से मेकिंग वीडियोस इज माय पैशन, मेरा पैशन है। क्या है मेरा पैशन? वीडियोस बनाना, टू मेक वीडियोस इज माय पैशन। स्पीकिंग विद कस्टमर्स इज द पार्ट ऑफ माई फ्रेंड्स जॉब, कस्टमर्स के साथ बात करना मेरे दोस्त की जॉब का भाग है, या मेरे दोस्त की जॉब का हिस्सा है। स्पीकिंग विद कस्टमर्स, या फिर आप कह सकते हैं टू स्पीक विद कस्टमर्स। तो आपने देखा इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट में वर्ब आई तो जेरंड या इन्फिनिटिव फॉर्म में से किसी का भी यूज करेंगे, ग्रामेटिकली सही है। अब देखिए इन तीन सेंटेंसेस में जहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है सेंटेंस की, मेन वर्ब,
सेंटेंस की मेन वर्ब। आपने ये देखा कि सब्जेक्टिव पार्ट में जब कोई वर्ब आती है तो जेरंड या इन्फिनेटिव किसी भी फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट में जब कोई वर्ब आती है तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो कि एक इंपॉर्टेंट रूल है, इनको आपको फॉलो करना पड़ता है। क्या है रूल नंबर 1? यूज इन्फिनेटिव्स आफ्टर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन। यूज करिए इन्फिनेटिव्स का, इन्फिनेटिव फॉर्म का, आफ्टर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद इन्फिनेटिव का यूज करिए वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो रेफर कर रहे हो किसी नाउन को या प्रोनाउन को। ये बात सेंटेंसेस के माध्यम से आपको बताऊंगा। रूल नंबर 2, यूज जेरंड्स आफ्टर प्रेपोजिशंस। ऑब्जेक्टिव पार्ट में प्रेपोजिशंस के बाद आप हमेशा जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे। रूल नंबर 1 की शुरुआत करने से पहले हो सकता है कई व्यूअर्स ये ना जानते हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, तो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में इस बात को मैंने आपको बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल यहां पर एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी। उसने फेंका एक पत्थर मुझ पर। अब यहां पर आप देखिए सब्जेक्ट है वो ही, थ्रो फेंकना, फेंकने की सेकंड फॉर्म, थ्रू का यूज किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसने फेंका, क्या फेंका? पत्थर फेंका। तो जो पत्थर है, जब उसने एक्शन लिया, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन फेंकने का डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ा? पत्थर पे पड़ा। क्यों पड़ा? तभी तो पत्थर अपनी जगह से मूव हुआ क्योंकि उसने उसे फेंका। तो ये है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट इस पर पड़ा। और किस पर फेंका? मुझ पर फेंका। तो मैं हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये रेफर कर रहा है, क्या है ये? ये एक प्रोनाउन है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी ऑब्जेक्टिव पार्ट में उसकी इन्फिनेटिव फॉर्म का आप हमेशा यूज करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका, उसका पर्पस क्या है? पर्पस की आप बात करते हैं। पर्पस है मुझे हर्ट करना। तो मुझे हर्ट करना, चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हर्ट, ये एक वर्ब है, इसीलिए इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म का यहां पर यूज किया गया। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, दे फोर्स्ड राहुल। उन्होंने राहुल को फोर्स किया। क्या पर्पस था उस फोर्स को करने का, यानी उस क्रिया को करने का क्या पर्पस था? मैच जीतना। तो जीतना, यहां पर जो मेरा राहुल है जो कि मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। चूंकि एक नाउन है इसके बाद वर्ब आ रही है ऑब्जेक्टिव पार्ट में टू विन, जीतना, तो मैंने इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, पायल रिक्वेस्टेड हिम। पायल ने उसे रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? क्या पर्पस है उस रिक्वेस्ट को करने का? रिस्क न लेना, न लेना। ये नेगेटिव पार्ट है ऑब्जेक्ट में, इसलिए नॉट का यूज यहां पर किया गया है, नॉट टू टेक रिस्क। टू का यूज क्यों किया गया, इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज क्यों किया गया? क्योंकि हिम ये एक प्रोनाउन को रेफर कर रहा है। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें इजी होंगी। अब यहां पर कई स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि पायल डिड नॉट रिक्वेस्ट हिम। नेगेटिव में इस सेंटेंस को आप बना सकते थे, पायल ने उससे रिक्वेस्ट नहीं किया। पर ऐसा नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि पायल ने उसे रिक्वेस्ट किया। पर क्या रिक्वेस्ट किया? कुछ करने का या कुछ न करने का? तो न करने का, इसलिए यहां पर नॉट का यूज किया गया। इसी तरह से अगर मैं यहां पर कहता कि उसने मुझ पर फेंका, क्या फेंका? फूल फेंका। मान लीजिए मैं इस तरह से कहूं, उसने मुझ पर एक फूल फेंका, क्यों? मुझे हर्ट न करने के लिए। पर्पस क्या था? मुझे चोट न पहुंचाना। तो मैं कहता ही थ्रू अ फ्लावर ऑन मी नॉट टू हर्ट मी। तो बेसिकली अगर कुछ करना है, पर्पस है कुछ करने का, तो सीधा इन्फिनिटिव फॉर्म। अगर न करने का तो नॉट का यूज आप तुरंत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कर लेते हैं। क्या आपने उसे सजेस्ट किया? क्या? घर जाना। अब यहां पर देखिए हिम ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? एक प्रोनाउन। इसके तुरंत बाद इन्फिनिटिव फॉर्म का आप यूज करेंगे। यहां पर आपने देखा कि मी, राहुल, हिम, हिम, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, 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 और ये नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद आपने इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज किया ऑब्जेक्ट में आने वाली वर्ब्स के साथ। ये ऑब्जेक्ट में आने वाली वर्ब्स हैं। आई मेट हिम, ये चार सेंटेंसेस रूल नंबर 2 से रिलेटेड हैं। आई मेट हिम, मैं उससे मिला After coming from office, ऑफिस से आने के बाद। अब इस सेंटेंस में ये आपकी मेन वर्ब है और ये वर्ब ऑब्जेक्ट में आ रही है, और इसे आफ्टर के बाद आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आफ्टर का यूज करना आपको सेंस के हिसाब से पड़ेगा। मैं उससे मिला ऑफिस से आने के बाद,
बाद, बाद के लिए आप आफ्टर का यूज करेंगे, के बाद किसके बाद, किसी वर्ब के बाद, वो वर्ब क्या थी, आना। तो यहां पर आप प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं, आफ्टर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस अक्सर आपने देखे होंगे, ही इज स्केयर्ड ऑफ मी, वो मुझसे डरा हुआ है, ही इज स्केयर्ड ऑफ यू, वो आपसे डरा हुआ है, या मैं कहूं कि वो राहुल से डरा हुआ है, ही इज स्केयर्ड ऑफ राहुल। तो यहां पर वो जिससे डरा हुआ है वो है वहां जाना, जाना ये तो एक वर्ब है जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आप जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरह से देखिए इस सेंटेंस में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अक्सर आपके मन में यह सवाल आता है कि टू के बाद तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप देखें इस सेंटेंस में केवल इस पार्ट के बाद ये मैं इंफिनिटिव फॉर्म का यूज नहीं कर रहा हूं वर्ब की, यहां पर तो ये जो पूरा एक वर्ड कॉम्बिनेशन है, लुक फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, वर्ब या प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन, जैसे कि लुक इनटू, ये एक वर्ब है, ये एक प्रेपोजिशन है, या फिर वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन, जैसे कि ब्रेक डाउन, फंक्शन ना करना। लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, ब्रेक डाउन का मतलब किसी मशीन का जैसे ब्रेक डाउन हो जाना, फंक्शन ना करना, या फिर फ्रेजल वर्ब होती है वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन। ठीक इसी तरह की एक फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन ऑन, किसी को अपने से कम समझना, इंफीरियर समझना, इसके बारे में फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, फिलहाल यहां पर नहीं। तो यहां पर देखिए आपके सामने है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, चूंकि ये पूरी एक फ्रेजल वर्ब है, ये तो इसका ही पार्ट है, इसलिए यहां पर चूंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आप जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं, ये अलग नहीं है इंफिनिटिव पार्ट में, बल्कि ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है और इसके बाद आपको जेरंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम थिंकिंग अबाउट मीटिंग यू, मैं सोच रहा हूं किस बारे में, किस बारे में, आपसे मिलने के बारे में। मिलना ये एक वर्ब है जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है, तो इसकी जेरंड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि अबाउट यहां पर एक प्रेपोजिशन है। हालांकि एक बात यहां पर मैं और ऐड कर देता हूं, देखिए एक्सेप्शंस काफी हैं। इंग्लिश एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बोलने के तरीके थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब इनसे थोड़ा हट करके अगर एक्सेप्शंस की बात करें, ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी, उसने मुझ पर पत्थर फेंका, किस लिए, मुझे हर्ट करने के लिए। तो यहां पर टू हर्ट मी की जगह आप चाहें तो इस तरह से भी अक्सर आपने सुना होगा फॉर हर्टिंग मी, यानी टू की जगह फॉर का यूज किया और उसके बाद जेरंड फॉर्म का आपने वहां पर यूज कर लिया। ठीक इसी तरह से दे फोर्स्ड राहुल टू विन द मैच, या फिर फॉर विनिंग द मैच। पायल रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टेक रिस्क, या फॉर नॉट टेकिंग रिस्क, यानी जेरंड फॉर्म का यूज फॉर के साथ आप कर सकते हैं। इस तरह से एक्सेप्शनल केस होते हैं इंग्लिश में। डिड यू सजेस्ट हिम फॉर गोइंग होम, तो जहां पर टू है टू के बजाय आपने फॉर का यूज और जेरंड फॉर्म का यूज किया। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन 99% केसेस में आप ऐसा देखेंगे। और इस सेंटेंस में भी आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, मैं आपसे मिलने की सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग टू मीट यू, अबाउट मीटिंग यू की जगह अगर मैं कहूं टू मीट यू तो ये भी गलत नहीं है। इस तरह से भी सेंटेंस आप सुनते हैं अक्सर, टू के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्मेशन में, या फिर प्रेपोजिशन के बाद जेरंड, रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर थ्री की, विच वर्ब्स आर फॉलोड बाय जेरंड्स और इन्फिनेटिव्स। कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरंड्स का ही यूज करना जरूरी है, इन्फिनेटिव्स का ही यूज करना जरूरी है, या फिर दोनों का यूज आप कर सकते हैं। रूल से ज्यादा ही प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उससे आप एक्सपर्ट होते जाते हैं। विच वर्ब्स आर फॉलोड बाय जेरंड और इन्फिनेटिव, सेंटेंस में जो वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब की जेरंड फॉर्म का यूज करना है या इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करना है, इसकी भी चार कैटेगरीज हैं। चार कैटेगरीज की वर्ब्स होती हैं। पहली वो ओनली जेरंड, जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब की केवल जेरंड फॉर्म का ही यूज करना जरूरी है। दूसरी वो ओनली इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज,
आइदर ऑफ द टू, तीसरी कैटेगरी, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, सेंस में कोई चेंज नहीं होगा, नो सेंस चेंज। अभी मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। आइदर ऑफ द टू, दोनों में से आप किसी का भी यूज करिए लेकिन सेंस में चेंज होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब देखिए यहां पर मैंने केवल दो एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं हर कैटेगरी के, एंजॉय और एस्केप, ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो वर्ब आएगी जेरंड फॉर्म में होनी चाहिए, डिसाइड और प्रॉमिस के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में। इस कैटेगरी में लव और कंटिन्यू, इन वर्ब्स के बाद आने वाली वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जेरंड या इन्फिनेटिव, किसी भी फॉर्म में, सेंस में कोई चेंज नहीं होगा, और इन केसेस में सेंस में चेंज होगा, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अभी मैं एग्जांपल्स में आपको बताता हूं, यहां पर फिलहाल दो दो एग्जांपल्स दिए हैं लेकिन इस वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगा। अब देखिए मेरा पहला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर वन, मुझे तैरने में बहुत मजा आता है, यानी मैं तैरने को बहुत एंजॉय करता हूं। आई एंजॉय तैरने को, तैरना तो एक वर्ब है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब है, हमेशा उसकी जेरंड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। एंजॉय के बाद कोई भी काम, जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूं या पढ़ना बहुत एंजॉय करता हूं, आई एंजॉय रीडिंग, मैं खेलना एंजॉय करता हूं, आई एंजॉय प्लेइंग, हमेशा जेरंड फॉर्म में। और इसी तरह से सेंटेंस नंबर टू, आई स्केप्ड, स्केप का मतलब होता है बचना, बच निकलना, बच जाना, मैं बच गया, गिरने से बच गया, गिरना भी एक वर्ब है, फॉल जिसे आप कहते हैं, हमेशा उसकी जेरंड फॉर्म का आप यूज करेंगे। अगर यहां पर आप कह दें आई एंजॉय टू स्विम, स्विमिंग की जगह टू स्विम इन्फिनिटिव फॉर्म अगर आप कह दें तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसी तरह से यहां पर भी आप टू फॉल नहीं कह सकते, आपको हमेशा जेरंड फॉर्म का यूज करना होगा। और अब देखिए वर्ब डिसाइड का यूज, उसने डिसाइड किया या उसने तय किया, ही डिसाइडेड टू गो होम, उसने घर जाना डिसाइड किया, जाना के लिए आपने इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज किया, क्योंकि रूल कहता है कि ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगी तो केवल इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज होगी। और इसी तरह से प्रॉमिस, दे प्रॉमिस्ड टू रीच अर्ली, उन्होंने वादा किया या उन्होंने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, जल्दी पहुंचने का प्रॉमिस किया, पहुंचना ये भी एक वर्ब है, हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर आप इस कैटेगरी की बात करते हैं, एक वर्ब मैंने ली लव, वो बहुत पसंद करता है खेलना, ही लव्स प्लेइंग, या फिर आइदर ऑफ द टू का, जेरंड या इन्फिनेटिव दोनों का यूज कर सकते हैं, सेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ही लव्स प्लेइंग, या फिर आप कह सकते हैं ही लव्स टू प्ले, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म जेरंड फॉर्म दोनों का यूज आप कर सकते हैं इस केस में। कंटिन्यू, राहुल कंटिन्यूड, राहुल ने कंटिन्यू किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंटिन्यू की सेकेंड फॉर्म, राहुल ने कंपनी में काम करना कंटिन्यू किया, राहुल कंटिन्यूड टू वर्क, काम को कंटिन्यू किया, या फिर आप कह सकते थे जेरंड फॉर्म में राहुल कंटिन्यूड वर्किंग। प्रैक्टिस से आपको क्लियर होती है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं आपको ये पता लगता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर वर्ब के साथ मैं जेरंड इन्फिनिटिव दोनों का यूज कर सकता हूं, क्योंकि इस तरह से नेटिव भी से यूज करते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जहां पर सेंस में चेंज हो जाएगा, जेरंड यूज करेंगे तो डिफरेंट सेंस बनेगा, इन्फिनिटिव यूज करेंगे तो डिफरेंट सेंस बनेगा। अगर आपको याद हो तो इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में मैंने स्टॉप से रिलेटेड, इस वर्ब से रिलेटेड दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे थे और मैंने आपको इनका सेंस बताया था। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, टू से हाई टू यू, मैं आपको हाई कहने के लिए रुक गया, ये सेंटेंस का सेंस है। दूसरे सेंटेंस में यहां पर तो आपने इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज किया, जब आप जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं इस वर्ब के साथ तो यहां पर देखिए सेंस क्या है, सेंस ये है आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया या मैंने रोक दिया, क्या रोक दिया, कहना, क्या कहना, हाई टू यू, मैंने आपको हाई कहना बंद कर दिया, यानी अब मैं आपको हाई
नहीं कहता। तो सेंस बिल्कुल बदल जाता है। ठीक उसी तरह से रिमेंबर भी एक ऐसा वर्ड है, जब आप इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करते हैं तो सेंस डिफरेंट है, और जब आप जेरेंड फॉर्म का यूज करते हैं तो सेंस डिफरेंट है। देखिए यहां पर क्या सेंस है, आई रिमेंबर्ड टू कॉल यू, मुझे याद रहा या मुझे याद था आपको कॉल करना, ये सेंस है। और यहां पर आई रिमेंबर्ड कॉलिंग यू, मैंने याद किया, क्या याद किया, उन यादों को, क्या यादें थी, मैंने आपको कॉल किया था या मैंने याद किया, आई रिमेंबर्ड मैंने याद किया आपको कॉल करना। तो बेसिकली जब आप जेरेंड फॉर्म का यूज करते हैं इस वर्ब के साथ तो आप किसी घटना की बात करते हैं। इस सेंटेंस में इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूं, आई रिमेंबर्ड कॉलिंग यू, मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू, सिटिंग विद यू एंड हैविंग फूड विद यू, उन यादों को मैंने याद किया, आपको कॉल करना, फिर आपसे मिलना, फिर आपके साथ बैठना, आपके साथ खाना खाना, आई रिमेंबर्ड। गाइज इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग में ये चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश स्पीकर्स के साथ बात करते हो, नेटिव्स के साथ बात करते हो, जब वो इन सेंटेंसेस को बोलते हैं और वहां पर सेंस को आप समझने लगते हो तो प्रैक्टिस से चीजें ज्यादा क्लियर होती है। मैं कोशिश करूंगा कि स्पोकन इंग्लिश गुरु ऐप में या फिर वेबसाइट में इस तरह के कई वर्ब्स को लाऊं, उनके सेंटेंसेस को लाऊं, ताकि आप जान सकें कि किन पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ आपको जेरेंड फॉर्म, किन के साथ इन्फिनेटिव, और अलग अलग कैटेगरी में किस तरह से यूज करना है। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ वर्ब्स रखता हूं अलग अलग कैटेगरीज से। सबसे पहले ओनली जेरेंड, ये आपके सामने वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब की जेरेंड फॉर्म का ही यूज होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मोबाइल पर रखिए और सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए। जब आप सोचेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। अब देखिए आपके सामने जो वर्ब्स हैं वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म का ही यूज होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके सामने देखिए वो दो कैटेगरीज हैं जहां पर ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें कोई सेंस चेंज नहीं होता या फिर सेंस में चेंज होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को ढूंढिए, गूगल में सर्च करिए, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आ पाएगा, और ये सारा खेल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।